और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अरब सिंह से। अरब, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या अपडेट है अभी? जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक दुखद भरी बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ये नक्सलियों के खिलाफ चार जिलों की संयुक्त टीम निकली थी और यहाँ पर एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गया, दो जवान घायल हैं, जबकि यहाँ पर उनको चौपर के माध्यम से रायपुर रेफर किया गया है, जबकि वहाँ पर नक्सलियों से कुछ सामान बरामद किया गया है, जिसमें सामान से अगर मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँ तो इंसास राइफल है और भी वहाँ पर 303 राइफल है, बीजीएल लॉन्चर है और भारी मात्रा में हथियार है। मुठभेड़ के बाद उनके 8 नक्सलियों के शव वहाँ से बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल आ रहा हूँ। क्या अभी भी वहाँ पर मुठभेड़ चल रही है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी, मुठभेड़ वहाँ पर टीमें निकली गई है और कहीं ना कहीं वो नक्सलियों को जब सामना हुआ तो नक्सलियों के साथ में 2 दिन से मुठभेड़ वहाँ पर चल ही रही थी। फिलहाल वहाँ पर सर्चिंग अभियान चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को जब 8 नक्सली मारे गए हैं तो नक्सली वहाँ से भागने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नजदीक महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा है तो कहीं वहाँ पर आड़ लेके या उनकी सीमा में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन जो भी सेना के जवान हैं, जितने भी फोर्स के जवान हैं, अभी भी वहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं और चौपर के माध्यम से और भी सरकार जो भी पुलिस की अलग रणनीति है, उनके जो भी वहाँ पर वेपन है उनके माध्यम से या जहाँ जहाँ है तो सर्चिंग चल ही रही है। जी जी अरब, और बताया जा रहा है कि 5 से 8 नक्सली मारे गए हैं, कितनी पुष्टि हुई है, कितने नक्सली मारे गए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि में 8 नक्सली बताया जा रहा है क्योंकि अभी जस्ट मेरी 5 मिनट पहले जब एसपी से बात हुई प्रभात कुमार ने, तो प्रभात कुमार ने बताया कि 8 नक्सली मारे गए हैं, उनसे शव बरामद हुए हैं और हो सकता है इनकी संख्या बढ़ भी जाए। आरव, क्या लग रहा है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली? जी, मैं आपको एक बता देता हूँ बड़ी बात, क्योंकि ये नक्सली इतने हाईटेक हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था सुरंगें निकली थी, कल हमने देखा तो सुकमा के अंदर स्नाइपर जैकेट निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में भी वही बू आ रही है कि जो यहाँ पे नक्सली है वो नक्सलियों को कहीं ना कहीं कोई बाहरी ताकतों का साथ तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि नक्सल यहाँ पे बस्तर में 2 दशकों से है, उस नक्सल के पास में कोई ना कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो यहाँ पर यानी अति आधुनिक, जबकि अब जो नक्सल के पास में जो चीजें मिल रही है, जो हमास की तरह सुरंगें बनाना हो या फिर स्नाइपर जैकेट हो, तो ये आखिर कहीं ना कहीं मिलती है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई बाहरी ताकतों का साथ तो नहीं मिल रहा है नक्सलियों को। और सरकार ने एक वादा किया था, जब चुनाव के अंदर सरकार आई तो यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने ये बोला था कि नक्सल को हम 2 साल के अंदर खदेड़ देंगे और कहीं ना कहीं फोर्स की वही काम कर रही है। जी जी, धन्यवाद आरव इस पूरी जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 नक्सली मारे गए हैं और फिलहाल सुरक्षा बल मौके